हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरह से इलेक्ट्रिक बिल ऑनलाइन पे किया जाता है। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं तो आप डाउनलोड कीजिएगा WBSC, अगर आप कहीं और स्टेट के तो अपने हिसाब से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ सर्च बार में टाइप करेंगे, अगर वेस्ट बंगाल के आप, जैसे मैं यहाँ वेस्ट बंगाल से पे कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके लिखूंगा WBSECL। हो गया, यहाँ पे इंस्टॉल पे आप क्लिक कर दीजिए और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। मैं स्किप करके आपको थोड़ा देर में दिखाता हूँ। जैसा कि देखिए दोस्तों, यहाँ इंस्टॉल हो चुका, ओपन पे मैंने क्लिक किया, खुल गया। और खुलने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से कुछ आ रहा है। आप यहाँ कहीं नहीं जाना है, आपको नीचे यहाँ पे आइए। आप यहाँ पे जो आइकॉन बना हुआ है सेटिंग का, सेटिंग पे क्लिक कीजिए, ऐड कस्टमर में जाइए। यहाँ पे आपसे मांग रहा है 9 डिजिट कस्टमर ID, तो यहाँ पे ये जो नॉर्ड जेट कस्टमर आईडी कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ पे जो डालना होगा आपको, उससे पहले आपको बता दूँ कहाँ पे होता है। आप अपने इलेक्ट्रिक बिल में जब देखिएगा, इस जगह पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे कस्टमर आईडी होता है। ये देखिए, ये रहा कस्टमर आईडी, इसको आप देख लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। मेरा कस्टमर आईडी मैं यहाँ डाल रहा हूँ 155, ये मैंने डाल दिया, गो पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ देखिए आपको बता रहा है ए पर्सन यू डिलीवरी, यहाँ पे जो नाम दिखा रहा है इसी नाम पे वो मीटर है, ये मेरे पिताजी का नाम है। और यहाँ पे मैं यस पे क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सक्सेसफुली हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। अब ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से मैं बैक जा रहा हूँ, अब बिल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए केमक्यू अंसारी मीटर नंबर दिखा रहा है आपका, कस्टमर आईडी सॉरी ये। और यहाँ पे आप क्लिक करते ही, इस जगह पे क्लिक करते ही आप देखिए ये खुल जाएगा आपका, आपका बिल का डिटेल खुल गया यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे दिखा रहा है टोटल आपको 17 तारीख को ये पे करना 1988, और यहाँ 17 अक्टूबर नवंबर तीनों महीने का अलग अलग बिल दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको खोल रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ 4 स्टेप में आपका पे हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 ऊपर में दिख रही है, 4 स्टेप्स हैं, इससे आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, कैप्चा जो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 8 1 7 7 2 मैंने यहाँ डाल दिया, नेक्स्ट किया। यहाँ नेक्स्ट करते यहाँ देखिए कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखा रहे हैं पूरा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं आप तीनों मंथ के मेरे बिल आ गए, 17 अक्टूबर नवंबर के। और आपको जो जो पे करना है उस पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। मैं यहाँ दोनों को सेलेक्ट कर लूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, मेरे को 17 अक्टूबर का पे करना था, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देख सकते हैं आपको टोटल अमाउंट दिखा रहा है 1349 दो मंथ का हुआ है। और यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, नेट बैंकिंग का और पेटीएम का, आप जहाँ से करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ और नीचे यहाँ पे आई एग्री पे भी क्लिक किया और कन्फर्म कर दिया। कन्फर्म करने के बाद आप यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ देखिए आपको दिखा रहा है पेमेंट 1349 का है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपका बिल पे करने का जो अमाउंट है वो होना चाहिए 2000 से ऊपर, अगर उसके नीचे हुआ तो आपका कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे। तो आपको डेबिट कार्ड में जाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आएगा यहाँ कार्ड नंबर, मंथ, एक्सपायरी, CVV नंबर, ये सब देना। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो नेक्स्ट टाइम बना दूंगा। मैं यहाँ से बैक करके इंटरनेट ऑप्शन में जा रहा हूँ। इंटरनेट ऑप्शन के बाद मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 बैंक दिखा रहे हैं, HDFC, ICICI, कोटक एंड SBI। अगर यहाँ आपका बैंक नहीं दिख रहा है तो यहाँ नीचे देख रहे हैं सेलेक्ट योर बैंक में क्लिक कीजिए आप। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे सारे बैंक्स के यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस, आपको जो पसंद है उस पर क्लिक कीजिए। मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने SBI में, स्टेट बैंक को सेलेक्ट किया मैंने और नीचे यहाँ पे मेक पेमेंट में जाऊँगा मैं और यहाँ पे आपको ये आपके SBI के वेबसाइट पे ट्रांसफर कर देगा। अब यहाँ पे आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह डाल के जैसे आप अपना नेट बैंकिंग करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, यहाँ डालेंगे यूजर नेम, यहाँ डालेंगे आप पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ देख सकते हैं आपको दिखा रहा है आपका पेमेंट क्या है, कितना है, किस चीज़ के लिए आपका ये SBI से आप पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP भी आएगा जो आपको यहाँ पे डालना होगा। मैं OTP चेक कर ले रहा हूँ अपना, ये है मेरा OTP।
इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहां पे मैंने वो ओटीपी डाल दिया। कंफर्म कर दिया। उसके बाद यहां देख सकते हैं आप, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं आपको, मेरा पेमेंट हो चुका है। अब आप चाहे तो यहां से WBSC की जो आपकी वेबसाइट है वहां से आप इस पेमेंट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं डाउनलोड करूंगा, यहां से मैं बैक जाऊंगा। बैक जाने के बाद यहां देखिए, आपको अभी दिखा रहा है पूरा, घबराइए मत, बैक आइए और यहां बिल पे फिर से क्लिक कीजिए। यहां जाइए और जब बिल पेमेंट में जाइएगा तब यहां दिखाएगा आपको। यहां पे फिर से आप कैप्चा डालिए। जब कैप्चा यहाँ डालेंगे आप, ये डाल के, और जल्दी से डाल देता हूँ मैं यहाँ पे कैप्चा को, और नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए फिर से वो नाम आया और यहाँ नेक्स्ट किया, तो देखिए मेरा दो पेमेंट हो चुका है, बस नवंबर का बचा हुआ है। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको, अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो वाकई यूजफुल है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई बात इसमें समझ में नहीं आई है, अच्छी नहीं लगी है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर गाइड कीजिएगा, मैं उसको और अच्छे से इम्प्रूव करके फिर से वीडियो बनाऊंगा मैं। और हाँ दोस्तों, ये लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिएगा और साथ में आ रहे इस बेल को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी आप लोग को और कोई भी वीडियो मेरा आपसे मिस नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।